हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? आपके बर्ड्स सब ठीक ठाक होंगे? आ गए हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? अब हम आए हैं एक नए टॉपिक पे और नए वीडियो के साथ आपको लेके। इसलिए जैसे कि अब ब्रीडिंग सीजन आप चल रहा है, देख पता ही होगा आप लोगों को। ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले हमें कौन सा सीड मिक्स अपने बर्ड्स को देना है और कैसा सीड मिक्स देना है वो हम आज बनाएंगे। जो ब्रीड तो होने वाली है अब चालू हमारे पास भी, क्योंकि हम सीड मिक्स उससे पहले हमें देना पड़ेगा। और क्या क्या देना पड़ेगा सीड मिक्स सॉफ्ट फूड में, तो पहले हम सीड मिक्स बना लेते हैं एक अच्छा सा। कई दो तीन तरह के दाने होते हैं, चार पांच तरह के दाने होते हैं, तो उनको मिला के हमें एक सीड मिक्स बनाना है। तो क्या क्या मिलाता हूँ मैं वो आज इस वीडियो में दिखाऊँगा आप लोगों को, और जो चीज़ नहीं होगी वो हम बाद में जाकर ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी बाजरा नहीं है मेरे पास, बाजरा ख़त्म हो चुका है, तो अभी जाऊंगा मार्केट तो बाजरा ला कर मिला दूंगा उसके अंदर में। और बाकी जो चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास वो हम उसमें ऐड कर देंगे सीड मिक्स में। एक अच्छी क्वालिटी का सीड मिक्स बन जाएगा हमारा, ताकि हमारे बर्ड्स अच्छे से खाएं उसको और अच्छी ब्रीड करें और अच्छा रिजल्ट आए हमारे पास। तो अंदर हूँ कॉलोनी के मैं अभी, और हम आ गए बाहर कॉलोनी से। तो इसमें मैंने कंगनी ले ली है, ये देख सकते हो 2-2.5 किलो मैंने कंगनी ली है। थोड़ा सा सीड मिक्स बनाऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी है इस समय, थोड़ी बहुत गर्मी है, सुबह शाम की ठंड हो रही है अभी। तो ये है सनफ्लावर हमारे पास, और ये है अलसी, ये है ब्लैक सीड, और ये है एक ब्लैक मिलेट होता है, ये भी एक मिलेट होता है, ये भी किसी तरह का, इसका नाम नहीं पता मुझे। तो ये था हमारे पास पड़ा हुआ, तो हम ये भी मिक्स कर देते हैं। तो लब्बड़ भी हैं हमारे पास, बजीज भी हैं, जावा भी हैं। जावा को तो हम सादा कंगनी देंगे, और धान मंगाएंगे अभी हम, धान नए धान आएंगे तो धान लेके आएंगे, या मैं अगर गांव वाँव जाऊँगा तो अपने खेत में से धान तोड़ के लाऊँगा ताज़ी ताज़ी, तो वो देखेंगे खिला के हम इनको। अभी धान पके नहीं है सही से, नए धान आएंगे धान मंगा लेंगे थोड़ा जावा के लिए अपने, तो जावा खा लेती हैं। और ये ब्लैक सीड जो है ये भी खा लेती है फिंचिस हमारी, जावा फिंच भी खा लेती हैं, गोल्डन फिंच भी, और ये लॉन्ग टेल फिंच भी खा लेती है ब्लैक सीड जो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट पर लाने के लिए होता है बर्ड्स को हमारे। ये अलसी है, इसमें भी अच्छी मात्रा में गर्म होता है, ये भी तेल निकलता है अलसी का, तो ये भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। बाकी सूरजमुखी के अंदर तो आपको पता ही है, सनफ्लावर जो होता है उसके अंदर भी बहुत तेल की मात्रा होती है, और बहुत अच्छी चीज़ है वो सर्दियों में हमारे बर्ड्स के लिए, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। देख सकते हो सब चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं हाथों हाथ। तो अब एक इसको हम एक साथ सारा को मिक्स कर देंगे हाथ से अपने, मिला देंगे सब चीज़ डाल के इसमें, हम हाथ से अपने मिला लेंगे और अच्छे से हम डब्बे में भर के रख देंगे। और रोज़ हम यही वाला सीड मिक्स देंगे अब, क्योंकि पहले तो मैं सादा कंगनी दे रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी तो इस वजह से सादा कंगनी, और ये चावल वगैरह रोटी वगैरह, और आज मैंने पालक भी दिया है इनको, थोड़ा चावल दिए हैं उबले हुए, जो रात के चावल बच गए थे वो दे दिए थे मैंने इनको, बाकी पालक दिया है अभी दोपहर में मैंने थोड़ा इनको, ताकि अच्छे से खा लें। ग्रीन फूड बहुत दिन से दिया नहीं मैंने इनको, तो अब यहाँ पे सेटअप हो गया हमारा, बन गया है, तो अब इनको अच्छे से अच्छी डाइट मिलेगी, ताकि अच्छा सा रिजल्ट दें हमें। और आप लोगों के साथ में फिर वीडियो शेयर करूँगा, प्रोग्रेस वीडियो जो होती है। तो देख सकते हो सनफ्लावर सीड भी हमारे पास एक नंबर क्वालिटी का है, देख सकते हो पैकेट वाला जो आता है पैकिंग में वो वाला मिलेगा, धारी वाला जो होता है, ब्लैक वाला भी सनफ्लावर पड़ा है मेरे पास, तो मैं अभी धारी वाला यूज कर रहा हूँ। ब्लैक वाला जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ब्लैक वाला मिला देंगे, तो दोनों होते बढ़िया, मगर ये वाला इसका रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा है। ये सारा मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि कंगनी ज़्यादा है और सनफ्लावर सीड कम है, बहुत 50 ग्राम से भी कम हो गई, ये सारे मैंने लोड दिया है। बाकी हमारे पास है सनफ्लावर सीड, बहुत सर्दी तक पूरा काम हो जाएगा, जो हमारे पास सर्दी है सर्दी तक काम चल जाएगा, इतना सनफ्लावर सीड है पड़ा मेरे पास अभी। बाकी कम पड़ेगा तो बाद में मंगा लेंगे कहीं से। अभी कंगनी का भी मैंने स्टॉक मंगा रखा है, 1.5 क्विंटल मंगाऊंगा कंगनी। कंगनी नहीं, बहुत महंगी हो गई यहाँ पे, मिल नहीं रही है हमारे रुद्रपुर में, तो दुकानदार जो है बहुत महंगी दे रहे हैं, तो मैं कहीं बाहर से मंगाऊंगा, इकट्ठी मंगा लूँगा 1.5 क्विंटल, तो काम चल जाएगा हमारा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों के यहाँ कितने रुपये किलो मिल रही है कंगनी। यहाँ तो हमारे यहाँ 65 रुपये किलो मिल रही है नॉर्मल कंगनी है, बारीक वाली, और आप लोगों के यहाँ क्या रेट मिल रही है वो मुझे बताना कमेंट करके। तो ये देख सकते हो अच्छे तरीके का हमने एक सीड मिक्स तैयार कर लिया है, और अब हम इसको अगले दिन देंगे अपने बर्ड्स को। आज तो मैंने सादा कंगनी दे रखी है, तो ये हम वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को
तो वीडियो को अच्छा सा एक कमेंट करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह आप लोगों को मिलती रहती है मेरे पास वीडियो। तो ये देख सकते हो अपने पास बजी सी कुछ रह गए हैं, 7 पीस रह गए हैं, बाकी सारे 4 पीस कल इसमें सेल हो गए हैं। बाकी लब्बट हैं अपने पास सेल के लिए, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो नंबर मिल जाएगा आपको पिछली वीडियो में, जो कल वीडियो बनाई थी उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलते हैं फिर, बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर।